मैया पार्वती तैयार होके जा रही है। बड़ी सुंदर नथनी पहनी है, मांग में सिंदूर भरा है, सारा कुछ स्त्रियों का श्रृंगार है किया है, बड़ा बढ़िया लहंगा पहना है, सुंदर सज धज करके जाने के तैयार हुई। भोले बाबा कहने लगे, कहां जा रही हो? तो मैया पार्वती कहती है, प्रभु आपको नहीं पता? कि नहीं, हमको नहीं पता कि रास हो रहा है वृंदावन में, और आज वो रास राधा कृष्ण धाम में भी हो रहा है, इसलिए हे प्रभु मैं राधा कृष्ण धाम में चली हूं। भोले बाबा कहने लगे, फिर हमको भी तो ले चलो साथ में। मैया कहने लगी, नहीं प्रभु तुमको नहीं ले जाऊंगा। क्यों? कि वहां केवल एक ही पुरुष होगा भगवान, उसके अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं होगा, तो मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तो आइए भोले बाबा की पहले उपस्थिति करते हैं, फिर रास आगे बढ़ाएंगे। बाकी हरि लाल की जय। एक दिन होली भंडारी बन कर रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन होली भंडारी, एक दिन होली भंडारी बन कर रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, रामाने तकुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं
से करे कृष्ण नाथ गोपी जय
बिडाल महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना के डाल मरो रास रचो है फूल में तेरे सावन में तेरे
खूब चमा चमवादे खूब चमा चमवादे गजते बिजुआ बहुत ही बाजे गजते बिजुआ बहुत ही बाजे रवा बांधनी के हिउ बाजे रवा बांधनी के हिउ बाजे अंगराग में गहना बाजे दुनिया में ये नचिया बन
दुनिया दे बतेरा, दुनिया दे बतेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, फिर भी न कोई बनिया मेरा, मेरी कहना ये
रस के समूह का नाम ही नाम रास है। भगवान इस तरह से रास नचा रहे, गोपियों को अहंकार हो गया। भगवान में एक सबसे बड़ी कमी समझ लो या गुण समझ लो कि वो गर्व किसी का देख नहीं सकते और खास करके अपने का। गर्व प्रहारी है भगवान, गर्व पर सीधी चोट करते हैं। गोपियों को अहंकार हो गया क्योंकि भगवान ने जितनी गोपियां उतने ही रूप प्रकट कर लिए। हर गोपी को यह महसूस हो कि भगवान हमारे साथ ही हैं, मेरे साथ ही हैं, मेरे ही साथ रस चा रहे हैं, अन्य किसी के तो है नहीं। तो भगवान अपनी माया को साथ लेकर के, या यूं कहिए राजा रानी को साथ लेकर के, सबके मध्य से एकदम प्रभु अंतर ध्यान है। अंतर हिते भगवते सहे सैव ब्रजांगना। जैसे ही ब्रज गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब दंग रह गई, कहां गए प्रभु कहां गए। जैसे किसी सर्प की मणि गुम हो जाए, जिंदगी भर कमाया हुआ किसी का धन लालची का, जिसने खाया नहीं, पिया नहीं, पहना नहीं, ओढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, एकत्रित किया, उसका धन गायब हो जाए। इस तरह से जैसे हिरणी किसी झुंड से बिछुड़ जाए, ऐसे गोपियां व्याकुल हो गई, विदन करने लगे और पूछने लगी, पेड़ पौधों से पूछने लगे, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सैत्वादिकुल त्रिव्रत दृष्ट दे प्रियच्युत। हे कल्याणी तुलसी, तुमको जो भगवान बड़े प्रिय हैं, तुम्हारे बिना तो भोग नहीं लगाते भगवान। क्या आपने कहीं प्रभु को देखा है, भगवान को देखा है? हर किसी से पूछ रही है लेकिन कहीं भगवान का कोई पता अता नहीं लग रहा। आगे जाकर के देखती है सेवा कुंज में फूल बिखरे पड़े हैं, कुछ श्रृंगार के अवशेष पड़े हैं, और उन्होंने देखा कि उनके साथ में किसी स्त्री के भी चरण हैं। पता लगाती लगाती गई, सोचने लगी यहां भगवान के साथ कोई कौन सी सौभाग्यशालिनी है जिसको हम सबके मध्य से भगवान अकेले ले गए। आगे भगवान गए तो राधा जी को भी अहंकार हो गया कि इतनी गोपियों के मध्य से भगवान मेरे को ही चुना है। भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरे को तो अब बहुत ही थकान हो गई है नृत्य करने से, आपके साथ चलने से। तो कहा क्या करूं कि चरण दबा दो। भगवान ने चरण दबाए, उसी स्थान को सेवा कुंज कहते हैं। भगवान ने कहा चलो प्रिय यहां से चलते हैं। तो राधा जी कहती हैं, भगवान मेरे को तो बहुत थकान है, चला नहीं जाता, आप मेरे को अपनी पीठ पर बिठा लो। भगवान ने कहा आओ बैठो। तो जैसे ही राधा जी ऐसे बैठने लगी, वैसे ही प्रभु अंतर ध्यान और राधा जी धड़ाम से गिर गए। इधर गोपियां भी ढूंढती ढूंढती आई तो राधा जी भी वहां पड़ी हैं। राधा जी का भी कोई ठिकाना नहीं, बुरा हाल है, भगवान के रो रो रही हैं, गोपियां भी रो रही हैं। बड़ा मार्मिक गोपी गीत आइए श्रवण करते हैं, उसके बाद एक पुस्तक का विमोचन और मंच पर हमारी बहन जी शालिनी जी पधारेंगी, जो मैंने पहले घोषणा की थी। अभी थोड़ी देर में गोपी गीत का आनंद लेते हैं और रास का तत्व बताते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। Thank you.
प्रभु आज हमको त्याग करके आप कहां चले गए? तुमने ही तो वायदा किया था प्रभु हमसे कि हम तुम्हारे साथ में राष्ट्र रचाएंगे। हे प्रभु दयालु, हम तो तेरे बिना दाम की दासी हैं। हमने तुमसे प्रेम किया, तुमने हमारे प्रेम के बदले में क्या दिया हमको? भगवान, हमारे प्रेम का तुमने वध कर दिया। जे हमको मारना ही था भगवान, तो उस जहर से क्यों बचाया जो उस जलाशय में भरा हुआ था, जिसमें काली नाग रहता था, उस जहर से हमको क्यों बचाया? हमको अजगर सांप से क्यों बचाया आपने प्रभु? जब वर्षा हुई, इंद्र ने कोप किया, तो आपने गोवर्धन पर्वत धारण करके हमको क्यों बचाया प्रभु? हे मेरे दयालु, जब मारना ही था तो तभी मरना जी देते हमको। आपके प्रेम का अमृत पिला करके आपके विरह का ये जहर हम गोपियां पी नहीं सकते। दयालु प्रकट हो जाइए। आप नंदनंदन ही नहीं है, आप
गोपी बल्लभ ही नहीं है, आप तो सभी के हृदय में विराजमान आत्मा है प्रभु, सर्वेश्वर भगवान। इस दुनिया में आपके सिवा हम जीवों का कोई भी नहीं है। हे ब्रज के मालिक, हे सर्व जीवों के मालिक, वो कौन सा दिन आएगा जब हम हमारे सर पर आप अपना वरुण हस्त रखोगे, आपकी अमृत रूपी कथा पान कर करके हमारा जीवन अभी तृप्त नहीं हुआ है, आपके दर्शन कर करके हमारा जीवन अभी अतप्त है, तृप्त नहीं हुआ है। सुनते हैं तुम्हारा दर्शन करने से, तुम्हारी कथा सुनने से कलियों के कलमस नष्ट हो जाते हैं दयालु, आज वो सुख हमको दीजिए भगवान। हमें इस बात की चिंता नहीं कि हम अकेली इस जंगल में आपको खोज रही हैं, हमको सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है प्रभु कि जिन चलन कमलों को आपके को हम अपने वक्षस्थल पर रखते थे तो ये सोचते थे कि कहीं कठोर वक्षस्थल से कोमल चरणों को चोट नहीं लग जाए दयालु भगवान, आज वो ही तुम्हारे चरण कंकरीली जमीन में कांटों में गुजर रहे हैं दयालु। हे मेरे भगवान, जल्दी प्रकट हो जाइए, शीघ्र ही प्रकट हो जाइए। यते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीताशनै प्रिय दधिमै कर्ककेषु तेनाटवी मटति यदि बदितेन किंचिदुर्पादिभिर्मतीधि भवसायुधानम्। वो हमारे प्राण आपके चरण कमल आज कंकरीली जमीन में कुशाओं में कैसे विचरण कर रहे होंगे, इसलिए हे प्रभु जल्दी प्रकट हुई है। इति गोप्य प्रालत्यं प्रलप्य चित्रधार। ऐसे जब गोपियों ने रजन किया तो भगवान उन सबके मध्य में प्रकट हो गए, बोलो वहां के बिहारी लाल की। अब कोई गोपी घूर रही है, कोई कुछ कह रही है। एक गोपी ने प्रश्न किया भगवान से, हे दयालु एक बात बताइए। बोलो क्या पूछना चाहती हैं? केन लगे भजतो अनुभजत एक एतत विपरे नो भवान शबते का एतन्नो ब्रूहि साधु। हे साधु पुरुष एक बात बताइए, कुछ लोग उनसे प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग उनसे प्रेम करते हैं जो प्रेम नहीं करते वाले उनसे भी प्रेम करते हैं, कुछ लोग दोनों से ही प्रेम करते हैं, आप बताइए उनमें से कौन से हैं? तो भगवान कहते हैं ना हम तो सक्यो भजतो पिजम तो बजामि मीसा मनोवृत्ति व्रतये यथा धनी लब्ध धने विनष्टे तस्या निव्रतो हि न भेदः। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है उसका प्रेम मतलब का है, क्योंकि वो उससे प्रेम कर रहा है, उसके बदले में वो उससे प्रेम कर रहा है। अब प्रेम कब तक है ये उसको कोई सीमा नहीं है कि हो सकता है स्वार्थ का प्रेम हो, जब तक सिद्ध ना हो तब तक है, और जब शुद्ध स्वार्थ सिद्ध हो जाए प्रेम खत्म। एक ऐसा होता है जो प्रेम करने वाले से भी नहीं प्रेम करता या करता है, लेकिन हम तो सबसे सुप्रेम करते हैं, चाहे प्रेम करने वाला हो अथवा नहीं करने वाला, हर किसी से प्रेम करते हैं। और सत्य भी है, भगवान का अहेतुक प्रेम हर किसी पर बरस रहा है। अब इसका लाभ किसने लेना है किसने नहीं लेना है इसमें भगवान का दोष नहीं है। सूर्य का प्रकाश हो रहा है और सूर्य से ऊष्मा किसने लेनी है किसने नहीं लेनी है,
उल्लू है उसको तो दिन में दिखाई नहीं देता, उसको सूर्य का लाभ क्या? ऐसे ही जिन इंसानों ने परमात्मा को पहचाना नहीं, जाना नहीं, उनके लिए भगवान है तो बराबर, नहीं है तो बराबर। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को उत्तम शिक्षा प्रदान की, महारास हुआ और उस महारास का आनंद लिया। अब प्रश्न किया है श्री राजा परीक्षित ने कि संतापनाय धर्मस्य प्रसये मातरस्य च अवतीर्णो हि भगवान संशयेन जगदीश्वरः। धर्म के लिए जिन्होंने अवतार लिया, धर्म के सेतु बने, ऐसे भगवान ने इन स्त्रियों के साथ में एकांतवास करके किस प्रकार से और क्यों ये रास लीला की, तो इसका जवाब देते हुए कहते हैं सुखदेव जी महाराज। कहने लगे ईश्वर से जो प्रेम है जीव का वो निर्गुण है, ईश्वर के प्रेम में कभी पाप की कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रेम है वो स्वार्थ का नहीं है, निस्वार्थ का प्रेम है। वो एक ऐसा अनन्य प्रेम है जिस प्रेम की गणना संसार के प्रेम से नहीं करना की जा सकती, क्योंकि यहाँ मल है, विक्षेप है, अनेक प्रकार के दोष हैं, लेकिन परमात्मा के प्रेम में कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं, इसलिए अहेतुक प्रेम है। उस प्रेम को गोपियों ने पाया, उस प्रेम की बराबरी संसार का प्रेम नहीं कर सकता। और वैसे भी भानु त्रसान सर्वर सखाई तिनको मंद कहो कहत को नाई। सूर्य की किरण हर जगह पड़ती हैं, अच्छी जगह पड़ती हैं, बुरी जगह भी पड़ती हैं, कोई बुरा नहीं कहता सूर्य को। अग्नि में मुर्दे भी जलते हैं, अग्नि में हवन भी होता है, अग्नि में रोटी भी पकती है, लेकिन अग्नि को कोई बुरा नहीं कहता। ऐसे ही समर्थ में नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, सामर्थवान में कोई दोष नहीं होता। जैसे सूर्य में दोष नहीं है, जैसे अग्नि में दोष नहीं है, जैसे गंगा मैया में दोष नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा में दोष नहीं है। तो इस प्रकार मैं अपनी बाणी को कुछ देर के लिए अर्ध विराम दूंगा। बड़ी मेहनत करके हमारे श्री निर्मल कौशिक जी ने एक पुस्तक तैयार की है, उसका विमोचन यहाँ पर हमारी बहन जी के साथ हाथ से होना है। पधारेंगे मंच पर, मैं निवेदन करता हूँ, जिसमें बहुत ही सुंदर ये फ्री में मिलेगी, कोई भी ले सकता है, हाँ? फ्री में मिलेगी, जिसमें संस्कृत के बहुत सुंदर प्रचारक हमारे डॉक्टर निर्मल कौशिक जी जिन्होंने लिख करके इसको तैयार किया है। भारतीय संस्कृति क्या है, पर्यावरण क्या है, संस्कृत भाषा कितनी सरल है, कितनी नेक है, ये सारी बात इनके साथ साथ समय का भी ध्यान थोड़ा सा। पधारिए बहन जी, बांके बिहारी लाल की। इस सभागार में उपस्थित आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और सबसे पहले नतमस्तक होना चाहूँगी पूज्य श्री के श्री चरणों में। आज व्यासपीठ से हमें इतने सुंदर भजन सुनने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ वो पूज्य श्री के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और आज छठा दिन है इस कथा का। 5 दिनों से लगातार आप सब यहाँ आ रहे हैं, और यकीन मानिए फरीदकोट की ये जो धरा है धन्य हो गई, जहाँ ऐसी कथा हो रही है, जहाँ बाके बिहारी लाल का इस तरह से गुणगान हो रहा है, और आप सब यहाँ पर अनन्य भक्त जिस तरह से झूम रहे हैं, ये दृश्य किसी को भी भाव विभोर कर सकती है। और इसका सारा जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे बाऊ जी को। आज इस कथा के जो आयोजक हैं वो स्वयं श्री बाके बिहारी लाल हैं, जो अपने कार्य का सारा श्रेय बिहारी जी को देते हैं। कहते हैं कि इस धरा पर ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम जन्म लेते हैं जिनका हमें साक्षात यहाँ पर दर्शन हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ इस कार्यक्रम के जो सेवक हैं, जो अपने आप को एक बहुत ही छोटा सा सेवक मानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका कितना योगदान रहता है इस तरह के कार्यक्रमों में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री मंगत गर्ग जी की, और साथ ही साथ जो उनकी धर्मपत्नी हैं श्रीमती सीता रानी जी की। एक बार जोरदार तालियां। एक बार फिर हमेशा की तरह ताऊ जी के परिवार ने इस पूरे कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आकर न केवल इसे देखा समझा, बल्कि अपना पूरा समय दिया।
इस उम्र में इस अवस्था में आकर भी इतना समय दे पाना मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए आसान होगा। जिस तरह से वो उस कुर्सी से उठे नहीं, वहाँ टिके रहे, इस बात के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। ताऊ जी के साथ साथ इस जो सेवा में है वो उनका पूरा परिवार संलग्न है, एक बार सभी का नाम लेना चाहूंगी। श्री अरुण गर्ग जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मला देवी जी, श्री श्याम सुंदर गर्ग जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मंजू रानी जी, श्री राजेंद्र गर्ग जी, श्री रविंद्र कुमार गर्ग जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती दीपा गर्ग जी, ऐसे परिवार के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, जिसे विदेशों में अपनाया जाता है, जब हम विदेशों की धरती पर अपने कदम रखते हैं और किसी को ये पता चलता है कि हम भारत से हैं, तो वो यही कहते हैं कि आपके यहाँ के जो संस्कार हैं वो आज पूरे विश्व के लिए ज्ञान का एक माध्यम बन चुके हैं। और वो कैसे संभव हो पाया है, जहाँ पर हमारे पूज्यश्री जैसे गुरुजन होंगे वहाँ यकीनन इस तरह की भाषा जो है दूर दूर तक जाएगी और हम सब के बच्चों के भीतर, आने वाली नव पीढ़ी के भीतर जो है इसी तरह की संस्कृति का धरा प्रवाहशील करेगी। ऐसे पूज्यश्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ आप जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबकी उपस्थिति के बिना इस तरह के कार्यक्रम कभी संभव नहीं हो पाते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, खुद के लिए। आज यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उन्होंने बहुत सारी पुस्तिकाएं लिखी हैं, बहुत सारी उनकी पुस्तिकाओं का विमोचन हो चुका है, जो लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आते हैं। ऐसी एक पुस्तक इस वक्त मेरे हाथ में है जिसका न केवल यहाँ पर विमोचन होगा, आप सबके बीच वो वितरित भी की जाएगी, हमारी संस्कृति चेतना। और इसके लेखक हैं डॉक्टर निर्मल कौशिक जी। तो चाहूंगी महाराष्ट्र के हाथों इस पुस्तक का विमोचन हो, जोरदार तालियां। अभी बात अधूरी रह गई है, हमारे जितेंद्र शर्मा जी मंच पर नहीं पधारे, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक तो कार्यक्रम पूर्ण होगा ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जितेंद्र शर्मा जी पधारे, जोरदार तालियां हमारी इस कथा को देश विदेश में पहुंचाने वाले आपके सामने खड़े हैं। और जहां भी फिर भी कई कथा होगी तो इनको अवश्य याद करेंगे। अपने करकमलों से शर्मा जी इस पुस्तक का विमोचन करें, मैं यही आग्रह करूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए। श्री डॉक्टर निर्मल कौशिक जी हमारे अथक प्रयास करके ज्ञान को पुस्तकों के द्वारा आप सभी के तक पहुंचा रहे हैं। हमारी संस्कृति चेतना, सांस्कृतिक चेतना बड़ी सुंदर पुस्तक है, बिना पैसे के आपको मिलेगी, गेट पर मिलेगी, ठीक है, कोई हाड़बड़ न करें। बोलो बांके बिहारी लाल की, तरफ से फरीदकोट की इस पावन भूमि से सभी का ये अभिनंदन मैं पुनः पुनः करता हूं। भगवान ने सुदर्शन नाम के एक दुष्ट का और शंखचूर्ण नाम के दुष्ट का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद भगवान
कंस को ये निश्चित हो गया कि अब देवकी का जो पुत्र है वही नंदराय के घर में है, इसलिए और कोई रास्ता अब नहीं निकला। सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई और कहा गया कि उसमें निर्णय लिया गया कि ऐसा करो, कृष्ण को यहीं बुला लो मथुरा में। जब मथुरा में कृष्ण आ जाएगा तो पहले तो कुमलिया पेड़ हाथी से मरवा देंगे, अगर उनसे भी बच रहा तो ये मुश्तफा और चारूर दो हमारे पहलवान हैं, इनके द्वारा मरवा देंगे। बहाना क्या है कि धनुष यज्ञ का बहाना है, लेने कौन जाएगा, क्योंकि अक्रूर जी जाएंगे, क्योंकि वो वृष्णिवंशी है, उन पर कोई शक नहीं कर सकता, इसलिए अक्रूर जी को निश्चित किया गया। अक्रूर जी ने अपना धन जीवन समझा कि आज मैं भगवान को लेने के लिए जाऊंगा, जब मैं ब्रज में जाऊंगा तो चाचा चाचा कहकर के मेरे को छाती से लगाएंगे। सारे रास्ते में मनोरथ करते हुए इस प्रकार से ब्रजभूमि में प्रवेश किया। नंदराय जी के घर पहुंचे, बड़ा स्वागत हुआ, चरण स्पर्श आदि किए, भगवान ने खुद अक्रूर जी सोच रहा है कि मैं किस तरह से कौन से मोह से अब ये देवकी को, ये नंदरानी को और नंदराय जी को ये कहूं कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं वसुदेव जी के पुत्र हैं और मैं इनको लेने के लिए आया हूं। आखिरकार हिम्मत जुटा करके उसने शाम को भोजन करने के बाद नंदराय जी बैठे, मैया जसोदा बैठी, सबके सामने कह ही दिया, माता की तो आंख फटी की फटी, मुंह खुला का खुला रह गया। हाई में इतना स्नेह जिस बालक से कर रही थी, क्या वास्तव में ही वो मेरा लल्ला नहीं है? भगवान ने समझाया। अक्रूर जी ने बहुत समझाया, नंदराय जी ने भी समझाया, लेकिन जसोदा मैया को सबर नहीं आ रहा है। सवेरे होते ही भगवान भी तैयार हो गए जाने के लिए, बलराम भी तैयार हो गए, रथ पर सवार हो गए। सारे ब्रजवासियों को पता लग गया, गोकुल सभी वृंदावन वासियों को पता लग गया, सभी रथ के आगे गोप ग्वाल गोपियां आकर के खड़े हो गए। और तो क्या, जो नंदी जो है गंगी गाय जिसका दूध भगवान पीते थे, वो भी चारा छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान के रथ के आगे खड़ी है। जासो बिनयोग विकल पशुए से फिर मात पिता कहो जी कैसे। जिसके वियोग में पशु पंछियों का ये हाल है, मोर खड़े देख रहे हैं, तोते खड़े देख रहे हैं, बंदर खड़े देख रहे हैं, जिनको मक्खन खिलाते थे भगवान अपने हाथ से, बछड़े भगवान के मुंह की तरफ देख रहे हैं, गाय भगवान के मुंह की तरफ देख रही है, और गोपियों का तो हाल ही बहुत बुरा है। भगवान मूत पड़ते रथ से, सबको समझाते हैं मैं कल का दिन ठहर के परसों आ जाऊंगा, कल का दिन मैं रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, सबको समझाता है। रथ चलता है फिर आगे आ जाते हैं, फिर रथ चलता है फिर आगे आ जाते हैं। एक बार तो रथ के आगे लौट गई गोपियां और कहा, हे प्रभु अगर जाना ही है तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने सबके ऊपर मोहिनी डाली और मोहिनी डाल करके सबको स्तब्ध किया, कुछ ग्वाल वालों को साथ लिया, नंदराय जी को साथ लिया, रथ चलने लगा, धूल उड़ने लगी, मैया जसोदा देखती रह गई, गोपियां भी देखती रह गई, सब रोते रह गए। भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, सामने एक धोबी मिला, भगवान ने धोबी से कहा, भैया सुंदर सुंदर वस्त्र तेरे पास हैं, क्या तू हमको दे सकता है? धोबी ने कहा, मौत आ गई है तेरी, कंस ने तुझे इसीलिए बुलाया है, अब तू अपने ऊपर जाने की तैयारी कर, वहीं पर वस्त्र पहन। भगवान ने तुरंत ही उसका कल्याण कर दिया,
कपड़े लेके ग्वाल वालों को बांट दिए। अब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नीचे का ऊपर, कोई ऊपर का नीचे, ग्वाल वालों को क्या पता राजसी वस्त्र कैसे पहने जाते हैं। सुदामा नाम का एक दर्जी मिला, भगवान उसके पास गए। सुदामा ने खुद ही भगवान को बुला करके सारे कपड़े फिट कर दिए, गोप ग्वाल सब पहन करके वस्त्र भगवान के साथ झूमते हुए जा रहे। इतने में ही परमात्मा की नजर पड़ती है एक बकरा, त्रिबकरा, तीन जगह से टेढ़ी औरत चली जा रही है। चंदन की खुशबू भगवान की नासिका को छू गई। प्रभु ने कहा, अरे सुंदरी। वो देखने लगी, मुझे आज तक सुंदरी किसी ने कहा नहीं। हाँ प्रभु, कौन है आप? लेकिन जो भी है आप सुंदर बहुत हैं। अरे ये क्या है आपके हाथ में? कुबजा कहने लगी, महाराज मेरे हाथ में ये चंदन है और ये चंदन हमारे जो भोजराज है उनको बड़ा पसंद है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन वो लगाते हैं। एक बात बता ही देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रज में दो चीज बहुत ही प्रसिद्ध है, दो चीज कौन कौन सी? एक तो चंदन और दूसरे बंधन। बंधन मतलब बांधने वाला बंधन नहीं, बंधन प्रभु को बंधन। गले में माला होगी, मस्तक पर चंदन होगा। ये ब्रजवासियों की पहचान सबसे बड़ी है, चंदन और प्रभु का वंदन। भगवान का वंदन करना, मस्तक पर चंदन लगाना। तो चंदन हमारे भी लगा दो। तो चंदन लगा दिया। आप देखते हैं ना जो चंदन लगाते हैं ब्रज में, बांके बिहारी के मंदिर जाओगे, राधा का ठप्पा लगाएंगे, कृष्ण का ठप्पा लगाएंगे आपके, आप प्रसन्न चित्त होकर रुपया दो रुपया उनको दे देंगे, खुश हो जाते हैं। ऐसे ही जब चंदन लगाया तो भगवान बलराऊ कहने लगे, भैया इसको कुछ दिया नहीं कि जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, चंदन लगवाया है तो देना ही है। भगवान ने पैर का अंगूठा उसके अंगूठे पर रखा, ये अंगूठा ठोड़ी पर लगाया और त्रिबक्का को सीधी कर दिया। कमनी है, सुंदर स्त्री बन गई। अब कहने लगी, प्रभु हमारे घर चलो। भगवान कहने लगी, घर तो चलेंगे पर पहले मामा जी से मिलके फिर तुम्हारे घर आएंगे। वायदा कर दिया भगवान, आगे को चले जहां धनुष रखा था और आगे कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ओ भैया ये हाथी को साइड में कर ले, हमने मामा के पास जाना है। अब तो अंकुश मार मार करके उसको विचलित कर दिया, हाथी टूट पड़ा। भगवान भी पैंतरा बदल बदल के उससे लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान बलराम ने पूंछ पकड़ी, श्री कृष्ण भगवान ने पकड़ा उसका सूंड और ऐसे घुमाया और धड़ाम से उसका भी कल्याण कर दिया। और वहां के बिहारी लाल की कुबलिया पेड़ हाथी मारा गया। भगवान अखाड़े में पहुंच गए, मुष्ट पर चाणूर कहने लगे, हमसे युद्ध करो। सब लोग कहने लगे, देखो कहां छोटे छोटे ये बालक और कहां पर्वत समान ये पहलवान, बताओ इनकी लड़ाई कैसे शोभा देती है। लेकिन वो नहीं माने, युद्ध के लिए ललकारने लगे। भगवान ने कहा, ठीक है भैया चलो, तुम भी आ रहे हैं तो तुम भी लड़ लो। भगवान ने युद्ध किया मुष्टिक के साथ, चाणूर के साथ। भगवान पहले तो हाथी के दोनों सींग तोड़े, सॉरी दांत, और एक दांत कंधे पर रखा बलराम जी ने, एक दांत कंधे पर रखा श्री कृष्ण भगवान ने, और उस रंगभूमि में भगवान ने प्रवेश किया। अब रंगभूमि में प्रवेश किया, वहां सब तरह के लोग बैठे थे, किसी ने किसी भाव से देखा, किसी ने किसी भाव से देखा। जैसा भाव भगवान के प्रति जीव का था, वैसे ही भाव से हर जीव ने अलग अलग भगवान के दर्शन किए। जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही
भाव से भगवान को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हता कुवलिया पीड़म दृष्टा ताव विदुर्जयो कंतो मनस्थपि तदा रसमुत्तजे नपः। इसमें कुवलिया पीड़ हाथी को मार दिया, अरे पकड़ो, युद्ध होने लगा भगवान का अब दोनों पहलवानों के साथ में। थोड़ी देर में दोनों का ही कल्याण कर दिया। अब कंस कहता है पकड़ो पकड़ो मारो, यहां तक नहीं आए। इतने में तो भगवान कूद करके मंच पर चढ़ गए और सिंहासन से पकड़ करके धाम से जमीन पर गिरा दिया। प्राण पखे उड़ गए, पत्नियां रोने लगी, उनको समझाया, उनके भाई थे वो टूट पड़े। बलराम जी ने थोड़ी देर में उनका भी कल्याण कर दिया। इस तरह से भगवान ने जाकर के पहले नाना जी को बंदीगर से छुड़ाया और उनको वहां का राजा बनाया। उन्होंने बहुत कहा कि प्रभु ऐसा मत करो, आप राजा बनो, लेकिन कहने लगे नहीं, मैं दास बनूंगा, तुम राजा बनेंगे, सारी दुनिया आपके चरणों में सिर झुकाएगी। इसलिए भगवान ने अपने नाना को ही राजपाट दिया। फिर माता पिता को बंदीगृह से छुड़ाया, उसके बाद में पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा। सांदीपन गुरु के यहां से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की। उनके मरे हुए पुत्र जीवित करके प्रदान करके भगवान, वहीं सुदामा से मित्रता हुई भगवान की और फिर लौट करके आए। मथुरा में बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि भगवान को दिन में नींद नहीं आती, रात में भी नींद नहीं आती है, बड़े दुखी रहते हैं। उद्धव जी भगवान के बड़े मित्र हैं। प्रश्न वो प्रवरो मंत्री कृष्ण दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षा उद्धव मुक्ति सत्तम। ये बृहस्पति जी के परम शिष्य हैं, प्रश्न वंशियों में सर्वोत्तम ज्ञानी हैं। एक दिन भगवान से पूछ रहे हैं, भैया तू क्यों चिंता में रहता है, तुझे नींद क्यों नहीं आती है। भगवान कहते हैं उधो मोए बिज बिसरत नाही, हे सब मेरे से ब्रज की यादें छूटती नहीं है। वो ब्रजवासी, उनसे जो मेरा स्नेह हुआ, जो प्रेम हुआ, वो वाणी से नहीं कहा जाता। मेरे बिना उन्होंने अन्न पानी त्याग दिया होगा, मेरे बिना वो श्वासें गिन रहे होंगे, मेरे बिना उनका बुरा हाल होगा। उद्धव जी कहते हैं उनको हम समझाने के लिए चले जाते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं। भैया संभल के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि उनको समझाते समझाते आपकी ज्ञान की गुदड़ी कहीं घूम जाए। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं उनको ऐसा ब्रह्म ज्ञान दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उद्धव जी बन की यात्रा पर आते हैं, गोपियों को पता लगता है वही रथ है जिसमें बैठ के भगवान गए। दौड़ के गोपियां आई, चारों तरफ से रथ घेर ली। वैसा ही पुरुष निकला जरूर, लेकिन कृष्ण नहीं था। गोपियां मुंह बला करके इधर उधर हो गई, पूछने लगे उद्धव जी, हे गोपियों, हे ग्वालो, क्या रास्ता पूछता है, जसोदा जी के महल का रास्ता क्या पूछना, नंदरानी के महल का रास्ता क्या पूछना है। ये जो पानी बह के आ रहा है इसके किनारे किनारे चला जाए, और सुन, ये पानी कोई मोरी का नहीं है, ये पानी किसी नलके का नहीं है, ये पानी किसी नाली का नहीं है, ये पानी तो जसोदा जी की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनके परनाला बह रहा है, इसके किनारे किनारे चला जा, तुझे अपने आप घर मिल जाएगा। उद्धव जी पहुंचे, मैया को समझाया, बुरा हाल देखा, पिताजी को समझाया, क्या किसकी कोई समझ में क्या बात आती है। आखिर गोपियों के पास पहुंच गए, गोपियों को कहा तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करो, तुम मन जो है निर्गुण निराकार में लगा। गोपियां कहते हैं मन हमारा एक था, वो मन हमने श्री कृष्ण भगवान को दे दिया,
उदो मन न भय दस बीस अरे एक हो बोते गयो श्याम संग अब को राधो मन न भय दस बीस ये उद्धव जी कोई दस बीस मन तो नहीं थे जो एक मन से परमात्मा की स्तुति कर ली और एक मन से हम अब जो है निर्गुण ब्रह्म की अब निर्गुण को हम तो जानते भी नहीं है कौन उसके माँ बाप हैं कैसा रूप है क्या खाता है क्या पीता है हम तो केवल श्याम को जानते हैं श्याम के अलावा कुछ नहीं जानते श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारा धन श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारा धन आटो याम उधव हमें श्याम ही सो काम है श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिन नहीं दिए आधे की शिला करी उधार श्याम नाम है जैसे अंधे इंसान के लिए लकड़ी पकड़ कर रखता है एक मिनट नहीं छोड़ता ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण भगवान हमारे सर्वस्व हैं उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते श्याम गत श्याम मत श्याम ही तो प्राणपते श्याम सुखदाई सो भलाई सोवा धाम है अरे उधो तुम बौरे भय और पाती लेके आए दोरे योग कहां साधे यहां रोम रोम श्याम है हमारे तो रोम रोम में भगवान बसे हैं हम किस प्रकार योग साधना करें जो तुम बता रहे हो ध्यान करो मन में नमा पाओ परमात्मा तुम्हारे हृदय में है हमने तो कण कण में भगवान को देखा है क्षण क्षण में भगवान को देखा है उसके बिना कोई दूसरी साधना हम करना नहीं जानते इतने में ही एक मोहरा भिनन भिनन करता हुआ श्री राधा जी के चरणों की तरफ आता है उस समय गोपियां एक गीत गाती हैं जिसे गोपी गीत कहते हैं मधुर भ्रमर गीत कहते हैं गोपियों चिउ मधुप के तब बंधो मास प्रात सपत्न्या कुछ बिलल तुमाला कुंकुम श्रुत निभिन्न बहत मधुपति मानिनाम प्रसाद यदु सदस विडम्ब यश दूत त्रमिक हे कारे भौरे मुझे लगता है कि तू काला है और तू काले श्याम ने ही शायद भेजा है हमारे पास क्योंकि तेरी जो मूंछें हैं उन पर पीला पीला जो लगा है वो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की माला का अवशेष है जो मथुरा की स्त्रियों के बच्चे स्थल से शायद रगड़ा गया है और तू वही संदेश लेकर के हमारे पास आया है लेकिन सुन दूर रहे हमसे हमारे पास ना क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वो सब हमने देखे हुए हैं हमने सब कार्य अजमाए सब मतलब के ही पाए इसलिए तू चला जा हमारे पास से अरे हमारे पैरों में ना पड़ हमें पता है तूने कृष्ण को हमें मनाने के लिए भेजा होगा क्योंकि उनमें मनाने की बड़ी आदत है पहले से ही जब हम रूठती थी तो किसी न किसी बहाने वो हमको मना लेते थे इस प्रकार अन्य प्रकार की बातें करके भोरा को संबोधित करते हुए कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं उद्धव जी ने देखा कि ये गोपियां इनके तो रग रग में परमात्मा बसा हुआ है देख करके उद्धव जी कहते हैं अहो यूयम सपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती या शाहि मृत्ति मनः तुमने अपना मन तन सब परमात्मा की चरणों में समर्पित कर रखा है मैं तुम्हारे चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं
चरणों को प्रणाम नहीं किया, चरण की धूलि को प्रणाम हो गया। उधा सुधा है गया सुनी गोपी के बोल, हो ज्ञान बजाई धुंधली तो प्रेम बजायो, ज्ञान बजाई धुंधली प्रेम बजायो। तो प्रेम की साक्षात मूर्ति गोपियों के सामने एक नहीं चली, वापस लौट आया और उद्धव ने कहा भगवान से आकर के, प्रभु का तुम्हारी माया तुम्ही जाने, उन गोपियों की रग रग में आप बसे हुए हैं, रग रग में नहीं कण कण में, ब्रज के कण कण में आप बसे हुए हैं दयालु, मैं आपकी क्या बात बताऊं। भगवान कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर गए। अब भगवान एक दिन मन में विचार आया, जरासंध का खटका मिटाना चाहिए। जरासंध की दो पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी। अस्थि प्राप्ति से कंसस्य बहस्यो भरतर्षव मृते भरतरि दुक्राते इयतुष्मा पितृग्रहा। माँ पिता के घर चली गई, वहां जाकर के अपने पिता से कहा हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया, हमको बेघर कर दिया, हमारे दुख का कोई अंत नहीं है, पिताजी कुछ करो। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, बड़ा बलवान था जरासंध। जरासंध ने कितनी अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर जो है चढ़ाई कर दी, चारों तरफ से घेर लिया मथुरा को, बड़ा युद्ध हुआ, थोड़ी देर में भगवान ने मार दिए सबको, जरासंध को छोड़ दिया। कई बार आक्रमण किया, एक बार उसने बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ करके ये कहा ब्राह्मणों से, अगर अब की बार कृष्ण मेरे हाथों परास्त नहीं हुआ तो तुम सबका गला काट दूंगा, और परास्त हो गया तो तुम सबको कंचन के कड़े, सोने के कड़े पहनाऊंगा। अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी लाज रखो। भगवान ने सोचा अब यहाँ रोज रोज कोई न कोई चक्कर पड़ता है, इसलिए भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करके सबको वहां पहुंचा दिया, और भगवान बलराम और खुद अकेले रह गए मथुरा के द्वार पर। अब कालियम नाम के एक राक्षस को लेकर के और वहां पर आप धमका जरासंध, बड़ा युद्ध हुआ भगवान के साथ। अब भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए, लड़ाई लड़ते लड़ते रण छोड़ करके, भगवान का वहां पर नाम पड़ गया नया रण छोड़। चढ़ गए उस पर, उन्होंने चारों तरफ से लकड़ लगा करके आग लगा दी कि ये पर्वत जल जाएगा, इसके साथ में कृष्ण बलराम जल जाएंगे। थोड़ी देर बाद भगवान पर्वत से कूद गए, कूद करके ऐसे दुपट्टा बढ़ाते हुए आगे को बढ़े। धौलपुर के पास में एक गुफा है, मुचकुंड गुफा कहते हैं, उस गुफा में भगवान घुस घुस, उसमें एक पुरुष सो रहा था, अपना पीतांबर उसके ऊपर डाल के आगे को चले गए गुफा में। कालयवन आया और उसने लात मारी उस पुरुष में सोने वाले को, कृष्ण समझ करके उसकी आंखों से तेज निकला, तेज से जल करके कालयवन राख हो गया। वो इधर उधर देखने लगा, परमात्मा के दर्शन हुए, वो मुचकुंद था जो देवताओं की सहायता करके यहाँ पर गुफा में वरदान लेकर के सो रहा था कि कोई मुझे जगाए तो उसका उसको उसको भस्म हो जाए, लेकिन यह भी वरदान लिया था कि उसे तुरंत बाद भगवान के दर्शन हो जाए। मुचकुंद ने भगवान को पहचान करके प्रार्थना की और भगवान अब द्वारकाधीश बन गए। एक दिन द्वारका में भगवान का सुंदर दरबार लगा है, उस दरबार में एक ब्राह्मण पत्री लेकर के आता है और पत्री लेकर के भगवान को देता है। वो पत्री किसकी थी आइए बताते हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना। बड़ी सुंदर कन्या रुक्मिणी भीष्मक की कन्या थी, भाई रुक्म शिशुपाल के साथ में संबंध जोड़ चुका था जुए में हार करके शिशुपाल के साथ।
लेकिन रुक्मणी ने एक दिन नारद जी के मुख से भगवान का गुणगान सुन लिया था। जब से परमात्मा का गुणगान सुना तभी से रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। लेकिन रिश्ता हो गया शिशुपाल के साथ में, तारीख निश्चित हो गई शादी की, फलाने दिन शादी होनी है। रुक्मिणी बड़ी दुखी अपने भाभी से कहती है, भाभी मैं क्या करूं, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो भाभी ने कहा तुम चिट्ठी लिख दो, श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती हो आ जाएगा ले जाए। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख दी और ब्राह्मण देवता के हाथ पकड़ा दी। ब्राह्मण देवता बड़ी मेहनत करके द्वारिकापुरी में पहुंचे, श्री कृष्ण भगवान को हाथ चिट्ठी पकड़ाई। चिट्ठी में क्या लिखा था आइए सुनते हैं। स्तुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुष्णवान्ते निर्वेश करण विवरई हरतो अंगतापम रूपं दृशा दृशित मताम अखिलार्तलावो त्वक्षिता विशतिं चित्तमपं मन्नमे। हे प्रभु मैंने सुना है तीनों लोकों में आपसे सुंदर कोई नहीं है, तब से मैंने अपना मन आपसे समर्पण कर दिया है। अब प्रभु आप मुझे आइए और यहां पर जो है भूत विधि के द्वारा मेरा हरण करके ले जाइए। आप कहेंगे कि मैं कैसे पहचानूंगा, तो प्रभु सुनिए हमारे कुल की रीति रिवाज है। क्या रीति रिवाज है कि जो लड़की का ब्याह होता है तो फिर वो गौरी पूजन के लिए जाती है, इसलिए वो गौरी पूजन के लिए जाऊंगी मैं। और वहां पर भी आप मुझे कैसे पहचानोगे सखियों में, तो मैं कंगन वाला हाथ जो उठा उठा करके बताऊंगी कि ये फलाने देश के राजा हैं, ये फलाने देश के राजा है। मेरा कंगन जान करके पहचान करके मुझे पहचान लेना प्रभु और मेरा हरण कर लेना। तो इधर तो चले गए, ब्राह्मण देवता को विदा किया, भगवान ने किसी को नहीं बताया, यहां के तक अपने सारथी को भी नहीं बताया। अपना रथ तैयार किया जिसमें चार घोड़े जुते हुए थे, सैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहत, ये घोड़ों के नाम थे। रथ जोड़ करके भगवान ने हस्तनापुर के लिए जो है जो चेदी नरेश के यहां जो है प्रवेश किया। उस समय पूजन करने के लिए श्री रुक्मिणी जी जा रही थी सखियों के मध्य में, बड़ा तगड़ा पहरा लगा हुआ था सिपाहियों का, इधर उधर बड़े बड़े योद्धाओं का, बड़ा शिशुपाल को भी पता था, शिशुपाल ने भी अपनी सेना लगाई हुई थी, रुक्मी की भी सेना लगी हुई थी। लेकिन सबके मध्य में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। वाकी बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी मंगल के लिए सबसे पहले आइए, एक छोटा सा भजन हो जाए तब तक रुक्मिणी जी पधारे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा
सग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु मेरी कीनी सगाई, सतसंग में सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी तेरी चूड़ी कब हो ना टूटे, चूड़ी कब हो ना टूटे, ऐसा बर दुल्हा जो कब हो ना रूठे, ऐसा बर दुल्हा जो कब हो ना रूठे, अटल सुहाग की विधि जान लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो जय हो सेनाइयों की सदा खुशी की मुबारक घड़ियां गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद दुल्हन जमी पर फलक से परिया गई है।
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि बलवाके विहारिलाल सांते रूपे जन्मोपले मुश्किल रस्मों को चुराना लगता है रुक मिड़ का तो तू दीवाना लगता है चमकी शादी है मेरे चमक शादी है शादी है मेरे लग जाए
लग गए गो
बाबा ही भले मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती उतारूं मैं तेरी आरती
शांति पृथ्वी शांति सामा शांति हस्ते पुष्पं कृत्वा मंत्रपुष्पांजलिं हरि ओं जग्नेन जग्नमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ते हर कम्बहिमानः सशान्तिदुरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तण्डौ दन्ते प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तण्डौ रुद्रा प्रचोदयात् हरि ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तण्डौ लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तण्ड विष्णु प्रचोदयात् शिवान्ति कामकुलजां पटपाटलाब्जे पुण्डे गजामि गरधीररसारपुष्पै दिव्रप्रबालतुलसी जरमान्तरेऽपि तं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाणां परमेश्वर श्रीमद्भागवत भगवान् की व्यास जी महाराज की सुखदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।